सब्सक्राइब करें राजा टेक्निकल यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं महमूद अली और आप देख रहे हैं राजा टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम आप लोगों के लाए हूं सैमसंग के लिए एक चंद कोड जिससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि कोई भी मोबाइल की चेकिंग करनी है, स्क्रीन चेक करनी है, स्पीकर चेक करना है, जो भी आप लोगों को चेक करना है इससे आप लोगों को मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे पास है मोबाइल चेकिंग के लिए। ठीक है, तो चलो चलते हैं मोबाइल पे और आपको बताते हैं मोबाइल चेकिंग कैसे करते हैं। ठीक है, और कौन सा कोड मिलाया जा सकता है उसके लिए। हाँ जी, तो हम इस टाइम आ चुके हैं मोबाइल डायलर पे, तो चलें कोड मिलाते हैं। आपने मिलाना होगा *#7353#। ठीक है, जैसे आप हैश मारेंगे आपके पास ये देखें ये खुल जाएगी, इससे आप ये चेक कर सकते हैं मेलोडी, वाइब्रेशन, स्पीकर, डैमेज कैमरा, टीवी कैमरा, ब्लूटूथ, एसडी, ये देखें आपके पास सब आ रहे हैं, सेंसर आ रहे हैं, लाइट सेंसर देखें, ये लाइट सेंसर है, यानी आपके पास लाइट बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ब्लूटूथ आ जाता है और ये आप चेक कर सकते हैं कैमरा आ जाता है, तो इस टाइम में और वाइब्रेट स्पीकर, यानी आप लोग को ये सब चीज़ें यहाँ मिल सकती हैं। हाँ जी, तो आप लोगों ने चेक किया कि आप कैसे इस कोड को यूज़ कर सकते हैं, तो उसके साथ ही हमारे पास दूसरे नंबर पे जो कोड है वो भी आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट साबित हो सकता है, जिससे आप अपनी बैटरी की मालूमात कर सकते हैं। ठीक है, चलें मोबाइल पे चलते हैं और एक बार और चेक करते हैं कि क्या कोड है और कैसे यूज़ करेंगे। तो हम एक बार फिर अपने डायलर में आ चुके हैं और अब यहाँ आपने एक और कोड लिखना है जो कि बैटरी के मुतालिक है, तो चले हम लिखते हैं *#0228#। देखें बैटरी स्टेटस आ गया और आप देख सकते हैं कि आपको कितने वोल्टेज मिल रहे हैं और आपकी बैटरी कितनी है, इसमें आप पूरा मालूमात कर सकते हैं। देखें मेरी 19 है, ये देखें 19 है मेरी बैटरी और यहाँ भी 19, तो आप देख सकते हैं इससे चलिए आपको बहुत मालूमात हासिल हो सकती है कि आपकी बैटरी कितनी है और आपकी बैटरी में कोई फॉल्ट तो नहीं है। ठीक है, हाँ जी, तो देखा आप लोगों ने कि ये कोड कैसे यूज़ करते हैं और कैसे ये इस्तेमाल होता है। और इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे जो कोड है वो है सिम सिग्नल के लिए। ठीक है, जैसे कि मोबाइल के ऊपर सिग्नल आ रहे होते हैं उसके लिए है कि आप वो सिग्नल कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास कितने सिग्नल आ रहे हैं इस टाइम। ठीक है, तो चलो चलते हैं मोबाइल पे और चेक करते हैं कि क्या है और कैसे है। ठीक है, हाँ जी, तो फिर हम एक बार फिर डायलर में आ गए अपने मोबाइल डायलर में, तो यहाँ आप लोगों ने अभी कोड लिखना है *#0011, उसके बाद आपने हैश मारना है, तो ये देखें आपको *1 और *2 ये आ चुका है। आप *1 के सिग्नल चेक कर सकते हैं, ये देखें कितने सिग्नल आ रहे हैं और आपको कितने सिग्नल मिल रहे हैं। ठीक है, इससे आप मालूमात कर सकते हैं, ये देख सकते हैं 67 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, इससे आप अपनी सिम की मालूमात कर सकते हैं। तो उसके बाद जो हमने चौथे नंबर पे जिस कोड को जगह दी है वो है USB की सेटिंग के लिए। जैसे कि आप मोबाइल पे कोई भी USB लगाते हैं, ठीक है, या कंप्यूटर के साथ लगाते हैं, यानी कुछ भी आप जैसे कोई भी USB लगाते हैं, तो उसके लिए कि आप कैसे उस USB की सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं मोबाइल पर और चेकिंग चेक करते हैं। हाँ जी, तो इसके बाद है USB
यूएसबी सेटिंग के लिए है, तो चलें हम कोड मिलाते हैं, स्टार हैश 0808 हैश। देख सकते हैं आपके पास सेटिंग आ चुकी है यूएसबी की। CPAP आप अपने मुताबिक जो आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से सेटिंग रखते हैं। मैंने AP पे रखी हुई अपनी यूएसबी की सेटिंग जो है, यहाँ से आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से ओके। आप देख सकते हैं मेरी ये जो है सेटिंग्स। तो हमने जो पाँचवें नंबर पे जिस कोड को जगह दी है वो कोड है IMEI नंबर की मालूमात, ठीक है। जैसे कि IMEI नंबर होता है, जैसे आपका मोबाइल कोई खो गया है, गुम हो गया है, तो उसकी मालूमात के लिए है कि आपको, जैसे कि आपका मोबाइल गुम हो जाता है, ठीक है, तो उसकी यानी आपने उसको ब्लॉक करवाना है उस मोबाइल को, तो ये IMEI नंबर आपके पास लाजिम होना चाहिए। जैसे कि आप मोबाइल लेते हैं उसका न्यू लें और उसी टाइम उसका IMEI नंबर निकाल के अपने पास संभाल के रख लें, ताकि खुदा ना खास्ता कभी हो जाता है कि बंदे का मोबाइल गुम हो जाता है, तो उसके लिए कि आप उससे आप मोबाइल गुम हो जाए तो उसे आप बासानी ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलो एक बार और चलते हैं मोबाइल पे और आपको बताते हैं कि ये कोड कैसे मिलाया जाता है। हाँ जी, तो उसके बाद जो कोड है वो है IMEI नंबर के लिए, तो चलें वो कोड मिलाते हैं, स्टार हैश 06 हैश। ये देख सकते हैं ये मेरे पास IMEI नंबर आ चुका है, IMEI नंबर 2 और SN। आप ये देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्डर चला रहा हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास, नहीं तो आप कहीं भी ये नंबर या ये नंबर आप सेव करके अपने पास रख सकते हैं। हाँ जी, तो उसके बाद जो हम लोग ने आखिरी कोड को, जो लास्ट कोड है उसको हम लोग ने, लास्ट कोड स्पेशल कोड होते हैं आप लोगों को तो मालूम है, तो वो है मोबाइल की मालूमात के लिए, यानी कोई भी मोबाइल में ख़राबी हो आप उससे मालूमात कर सकते हैं कि आपके मोबाइल में क्या फॉल्ट है, ठीक है। सेंसर हो गए, मोबाइल के जो सेंसर हो गए, कैमरे हो गए, फ्लैश हो गया, स्क्रीन हो गया, यानी आप इसकी सारी मालूमात इस कोड के ज़रिए कर सकते हैं। तो चलो एक बार और चलते हैं मोबाइल पर और देखते हैं कि ये कोड, लास्ट वाला स्पेशल कोड, ये कैसे मिला है। हाँ जी, तो उसके बाद सबसे स्पेशल कोड है, तो चलें वो कोड भी मिला लेते हैं मोबाइल की पूरी मालूमात के लिए। तो चलें कोड मिलाते हैं, स्टार हैश 0 स्टार हैश। जैसे हम ये कोड मिलाएंगे, देखें आपके पास सेटिंग खुल चुकी है, आपके पास कलर रेड कलर आपके पास ओके आ रहा है, ग्रीन ग्रीन चेक कर लेते हैं मोबाइल स्क्रीन का, ग्रीन भी ओके है, ब्लू चेक कर लेते हैं, ब्लू भी ओके आ रहा है, रिसीवर है, वाइब्रेशन है, ये कैमरे हैं, सेंसर है, टच आप अपने मोबाइल का टच चेक कर सकते हैं। देखें आप यहाँ से अपने मोबाइल का टच चेक कर सकते हैं कि आपके पास कैसा आ रहा है टच, ठीक है। देख सकते हैं आप हमारा टच मुकम्मल हो चुका है, नहीं ये रह गया ओके। देख सकते हैं आप इसका टच चेक कर चुके हैं, LED भी आप चेक कर सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू एंड ओके। तो स्पीकर भी चेक कर सकते हैं और कैमरा सब की, यानी आप यहाँ से बहुत सी मालूमात हासिल कर सकते हैं। चलें हम चलते हैं बैक ओके। हाँ जी, तो आ गए आप लोग, जैसे कि आप लोगों को मैंने इस बार बताया 6 कोड, वो भी सिर्फ सैमसंग के, ये बात अपने ध्यान में रख लेना, ओनली ऑन सैमसंग। तो इससे यानी आप बहुत ही फ़ायदा उठा सकते हैं, बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त चीज़ है, आपके नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने कहा चलो इस पर एक वीडियो ही बना लेते हैं। तो मुझे तो यकीन है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें और नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट आपको डेली बेसिक पे मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।